तो रिफ्रैक्शन अफेक्ट्स एट सनराइज एंड सनसेट, इसमें क्या है कि अर्थ, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, आपने सपोज ये सोचा कि सुबह उठ के सनराइज देखना है, आपने देख लिया सनराइज हो गया, तो आपने कहा ठीक है हो गया, 5:35 पे हुआ, नहीं हुआ, वो एक्चुअल में सन अभी ऊपर आया ही नहीं था, सन तो अभी नीचे था होराइजन के, फिर भी आपको ऊपर नजर आता है, होता नीचे है क्योंकि एक्चुअल में सन की इमेज नजर आ रही है आपको उस जगह पर, सन अभी भी नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है, वो गलत जगह क्यों नजर आ रहा है हमें, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो रेज ऑब्जेक्ट से निकलती हैं और आईज तक आती हैं, तो सोचो ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, वो वेट कर रहा है कि कब सनराइज होगा, सन नीचे है अभी, सन से रे कायदे से तो सीधी जानी चाहिए थी जो निकल रही है, हुआ क्या बीच में क्या आ गई, अर्थ का एटमोसफेयर आ गया, अर्थ का एटमोसफेयर शुरू में तो बहुत कम डेंस है, जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वो डेंस 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 होता रहता है, तो होगा क्या, नॉर्मल रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, फिर एक नॉर्मल टूवर्ड्स नॉर्मल, करते 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 कहां पर आएगा, ऑब्जर्वर, तो ये रे जो निकली जो सीधी जानी चाहिए थी पर डेंसर मीडियम ने उसको बेंड ही करवा दिया, तो बेंड करवा के ऑब्जर्वर की आई में चली गई, अब ऑब्जर्वर को थोड़ा पता है कि मुड़ मुड़ के आ रही है, ऑब्जर्वर को ऐसा लग रहा है कि रे कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तो उसको सन की क्या नजर आ रही है, इमेज, इमेज, तो ऑब्जेक्ट नीचे है उसकी क्या नजर आ रही है, इमेज, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो इसलिए सन उसको ऊपर नजर आ रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो पूरा दिन सन आपको गलत ही नजर आता है क्योंकि डेंसर मीडियम तो रहेगा रहेगा, होता यहां है दिखता वहां है, होता यहां है दिखता यहां है, हाँ एक टाइम पे सही नजर आता है, कहां, जब ऑब्जर्वर यहां पर है और सन यहां पर परपेंडिकुलर है तब सही नजर आएगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ आ रही है, उसकी बेंडिंग नहीं होगी तो सीधा आएगी, तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो इसलिए आपको सही जगह पर नजर आएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है, वैसे गलती नजर आते हैं हमेशा, रिफ्रैक्शन के अफेक्ट्स हैं।